सो हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आ चुका है एक न्यू वीडियो के साथ। तो इस गेम प्ले में मैं लैंड हुआ था पोचिंकी पे, और पोचिंकी में काफी ज्यादा बंदे आने वाले हैं। और जैसे मैं यहाँ पे लैंड होता हूँ तो मेरे साथ एक स्क्वाड और लैंड होती है एकदम मेरे पास में। फिर देखो क्या होता है। यहाँ मैं अभी लूट कभी आया था, तभी मैं पे दो बंदे पुश करते हैं, उसके बाद देखो उनको कैसे मारता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे ही इन दोनों नौ बंदों को फिनिश देता हूँ, तभी मैं बगल वाले घर में दो टीम आपस में लड़ रही थी, तो यहाँ पे मैं सीधे उन पर पुश कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक बंदे को तो नॉक इन फिनिश दे दिया, और जो दूसरा बंदा है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था, लेकिन वो यहाँ से भाग जाता है और वो बंदा बगल वाले घर में जाकर मेरे को वहाँ से फिनिश कर देता है। तो यहाँ मैं वापस रिकॉल होकर आता हूँ फ्री मॉस्क पे, और यहाँ पर मेरे को मिल जाती है फ्लेयर गन। तो मैंने यहाँ पर एयर ड्रॉप मंगाया था, और तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है उसको लूटने के लिए। तो इस बंदे का तो मैं यहाँ पे नॉक एंड फिनिश दे देता हूँ, और इसका एक बंदा सामने वाले बोट में बैठा हुआ है जो कि मुझको दिखा नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं उस बंदे पे ध्यान ना देकर आराम से मैं ड्रॉप लूटता हूँ, और उसके बाद अपनी गन वन रिलोड करके देखो उसको कैसे मारता हूँ। तो इस बंदे को फिनिश करने के बाद मैं निकलता हूँ सीधा जोन में। तो मैं यहाँ पे जोन में आ ही रहा था, तभी मुझको मिल जाते हैं यहाँ पे दो बंदे जो कि मुझको जोन में आने नहीं दे रहे थे। उसके बाद देखो क्या होता है। मैं यहाँ पे जैसे ही इन बंदों पे पुश करने निकलता हूँ, तभी ये बंदे पीछे लगे भाग जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, तभी ये बंदे मेरे से बचेंगे नहीं। तो फाइनली ये दोनों बंदे तो यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं, और इन दोनों बंदों को फिनिश करने के बाद मैं ऐसे निकलता हूँ सीधा जोन में। और मैं जोन में जाते ही जो दोनों बंदे बचे हुए हैं वो जोन से ही आउट हो जाते हैं, तो मैं यहाँ पे आराम से चिकट लिया निकल जाता है। तो उसको दिखाने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं यहाँ पे दूसरा गेम स्टार्ट कर लेता हूँ। तो इस चांस में मैं लैंड हुआ था मिलिट्री बेस पर, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बंदे लैंड हुए हैं, लेकिन फिलहाल मेरे नीचे अभी दो बंदे हैं जिन्होंने मेरे को काफ़ी गंदा डैमेज दिया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले चल के उनसे बदला लेता हूँ। इन दोनों बंदों को तो मैं यहाँ पे नॉक एंड फिनिश दे देता हूँ, और इनके जो बाकी के दो बंदे हैं वो भी मैं यहाँ पे अभी पुश करने वाले हैं। तो उसके बाद देखते जाओ क्या होता है। उससे पहले एक बंदा सी बिल्डिंग के ऊपर से ग्लाइडर लेके जाता है, तो मैं उसके ग्लाइडर को ब्लास्ट करने की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता हूँ, लेकिन उसका ग्लाइडर ब्लास्ट नहीं होता है।
यहाँ पर मैंने एक बंदे को तो नॉक कर ही दिया है और लगभग मैंने उसको फिनिश भी कर दिया था, उससे पहले ये बंदा मेरे को पीछे से फिनिश कर देता है। तो यहाँ पे मैं रिकॉल हुआ रहता हूँ या स्नाइपर पे, और यहाँ पे पहले से एक बंदा लूट कर रहता है, तो इसको भी देखते हैं। इस बंदे को यहाँ पे नॉक करते ही मैं अपना माइक यहाँ पे ऑल पे करता हूँ, और मुझको लगता है कि बंदा कुछ ऑल पे बोलेगा, लेकिन ये कुछ नहीं बोलता, तो मैं यहाँ पे सीधे फिनिश कर देता हूँ। अभी मैंने जिस बंदे को यूजी से नॉक एंड फिनिश किया था, ये बंदा उसी का टीममेट है, और यहाँ पे अभी इनका एक और टीममेट है जो कि सामने की तरफ लाल वाले घर में बैठा हुआ है। ये बंदा अपनी जगह से बिल्कुल हिल नहीं रहा है और वहाँ पे एकदम कैम्प करके बैठ गया है, तो मुझको इसको जाके ही मारना पड़ेगा। तो देखो इसको कैसे मारते हैं। इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैं यहाँ पे पीछे से आ चुका हूँ, और इस बंदे को ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी वहीं बैठा हुआ हूँ। इस बंदे को यहाँ पे फिनिश करते ही मैं इसके टीममेट पे भी सीधा पुश करता हूँ, क्योंकि इसका टीममेट भी बहुत बड़ा वाला कैंपर है, ये सामने आने वाले नहीं है सर। इसका टीममेट सामने वाले घर पे कैंप करके बैठा हुआ है, और उसको भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि मैं यहाँ पे उसके पास आ चुका हूँ। तो देखो कैसे मारते हैं उसको। ये बंदा मेरे को यहाँ पे काफ़ी गंदा डैमेज दे देता है, तो यहाँ पे मैं अपनी हेल्थ करते ही निकलता हूँ आगे की तरफ, क्योंकि आगे की तरफ भी काफ़ी बंदे हैं। सामने वाले अपार्टमेंट में तीन बंदे काफ़ी देर से कैंप करके बैठे हुए हैं, वो उसी अपार्टमेंट पे काफ़ी देर से घूम रहे हैं और मेरे पे पुश नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं ही उन पर पुश कर देता हूँ, और ऐसा पुश करता हूँ कि उनको बिल्कुल पता नहीं चलता कि मैं यहाँ पर आ भी चुका हूँ। और उसके बाद देखो क्या होता है। मुझको यहाँ पे बिल्कुल नहीं पता था कि इनका तीसरा बंदा भी इसी में बैठा हुआ है, वो अचानक से निकलता है, तो मैं पे काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाता हूँ। तब भी मैं यहाँ पे तीनों बंदों को नॉक कर देता हूँ। इन तीनों बंदों को फिनिश करने के बाद मैं निकलता हूँ दूसरे बंदों को तलाश में। तो जैसे ही मैं इस साइड आता हूँ, तभी मुझको एक मेटवेल की आवाज़ आती है, और वो मेटवेल सामने घर के पास आकर रुक जाती है, और वो बंदा उसी में आ जाता है। तो मैं यहाँ पे उस पर सीधा नेट फेंकता हूँ, और मुझको ऐसा लगता है कि वो बंदा अभी सीढ़ी पे है, लेकिन उसके बाद देखो क्या होता है। ये बंदा काफ़ी जल्दी ऊपर आता है और उसको यहाँ पे फिनिश कर देता है, तो इस चांस में उनका चिकन डिनर नहीं निकल पाता है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, तो वीडियो कैसे लगी मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।